साउथ अफ्रीका में भारतीय लड़कियां अपना जौहर का जलवा दिखा चुकी हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अंडर 19 महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। फाइनल में इंग्लैंड को धूल चटाने वाली भारतीय टीम के सदस्य सौम्या तिवारी स्वदेश लौट चुकी हैं। भोपाल पहुंचने पर सौम्या तिवारी का ग्रैंड वेलकम हुआ। राजा भोज विमानतल पर उनके स्वागत के लिए लोगों ने पलके बिछा रखी थी। परिवार के साथ साथ कई समर्थक उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। गाजे बाजे के साथ उनके स्वागत में चार चांद लगा दिए गए। सौम्या के घर वालों और समर्थकों से खास बात की हमारे संवाददाता विव्यान तिवारी ने। सबके मुकद्दर में कहां होती हैं बेटियां, अगर घर कोई खुदा को पसंद आ जाए तो वही होती है बेटियां। मैं ऐसे घर पर खड़ा हूं जहां की सौम्या भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाकर आई है, और राजधानी भोपाल के इसी घर में खड़ा हूँ। आप देखिए कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर केक कट हुआ है, और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से उसका स्वागत हो रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आगे आए और पंजाब केसरी पर वो तस्वीरें इस सेलिब्रेशन की उस तस्वीर को देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये एक पूरी तस्वीर। कई बार ऐसा हुआ कि सौम्या और उनके माँ पिता एयरपोर्ट के वो तस्वीरों के दौरान आप देखिए किस प्रकार से भावुक हुए। यहाँ की भी कुछ तस्वीरें हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो सेलिब्रेशन है मेरी घड़ी में तो अभी वक्त हो रहा है 11:30 का, लेकिन आप जब भी देख रहे होंगे तो अगले जन्म में बिटिया नतीजों इस कहावत को झूठा साबित होते हुए देखेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा है, और जो परिवार के लोग हैं सौम्या के वो साथ खेल रहे हैं। विनिंग शॉट खेलते हुए सौम्या ने भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी, और नतीजा ने अपने घर वापस आ गई है। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जश्न मना रहे, उनकी बहन से बात करते हैं, लगातार ठुमके लगा रही है, आप बहुत खुश नजर आ रही है। तो अभी और कितना सेलिब्रेशन छोटी बहन के साथ? लगातार आप लोग इमोशनल भी हो रहे हैं। देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जो बयां कर रही है, आइए उनके माता पिता से बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार वो यहाँ पर डांस कर रहे हैं, आप इमोशनल हो गए थे थोड़ी देर पहले, खुशी के मारे अब जो उसका सपना था वो पूरा हो गया। अब जश्न मनाने के दिन आ गया था, माँ भी भावुक हो गई थी थोड़ी देर, तो भावुक हो गई कैसी तुमको, उन्होंने माँ को अपने मेडल दिया था, मेडल को देख के वो खुशी के मारे उनके पर आंसू निकल गए। इस जश्न के दौरान एक लाइन में दोहरा रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं एक कहावत बहुत पहले की रही है कि अगले जन्म दो बिटिया नतीजों, क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये बिटिया ही दीजिए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। सौम्या के पिता कह रहे हैं कि बिटिया ही दीजिए यहाँ पर, और भी लोगों के जो भीड़ है वो यहाँ पर आई हुई है, और इसके साथ में देखिए जो पूरा सेलिब्रेशन है वो किस तरीके से हो रहा है, जैसे मानो दिवाली आ गई हो। और बिटिया ने क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप में जीत दिलाई है, नतीजतन यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। आप देखिए एक बिटिया अंडर 19 वर्ल्ड कप में ट्रॉफी जीत कर आती है, और जश्न आप देख सकते हैं यही आसपास के। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इससे, बहुत इसने पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और इसमें इतना खुश हूँ। मैंने अपने आंखों के सामने इसकी मेहनत देखी है, इसके पिताजी की मेहनत देखी है, बहुत मेहनत करती थी बच्ची, और आज इतना गर्व होता है कि हमारे सामने से देखी हुई छोटी बच्ची इतना काम करती है, और पूरे हिंदुस्तान का सर ऊंचा करती है, और भोपाल को पूरा नाम रोशन करती है। बहुत खुश है, मेरी पूरा आशीर्वाद इसके साथ है, ये जिंदगी में और आगे बढ़े, और इंडिया टीम की पूरी वुमेन्स टीम को रिप्रेजेंट करे, इंडिया को रिप्रेजेंट करे पूरी दुनिया में। सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए से होटल में रहते हैं, लेकिन इतना कुछ कहेगा उसके लिए, देखिए किस प्रकार से सेलिब्रेशन जो है वो लगातार जारी है, और ये रोंगटे खड़े कर देने वाली भी तस्वीर है कि एक बेटी के लिए किस तरीके से जश्न यहाँ पर लगातार हो रहा है। आप भीड़ देखिए, क्या एक पूरा माहौल है, और पंजाब के इसलिए आप लोगों तक इस पूरी तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रहा है। कई बार मैं खुद भावुक हुआ, उनकी माँ से बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी माँ से बात करने की कोशिश करेंगे। आवाज नजारों की
आवाज बंद हो गई है, अब तो बता दीजिए। आप कहती थी कि आप बिटिया का मैच नहीं देखती हैं, आज तो खूब जश्न मना रही हैं। आज तो जश्न मनाने का दिन है, जो इतनी तपस्या थी वो आज सफल हुई है। थोड़ी देर पहले आंखों से आंसू थे, वो तो एक जो माँ का लगाव होता है और जो माँ का इतने दिनों का एहसास था वो दिख रहा है आपको। माँ की ममता की भी तस्वीर हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ग्राउंड जीरो पर आकर के ऐसी तस्वीर जो पूरी दुनिया में एक अलग संदेश देती रहती है, मैं लगातार पहुँचा करूँगा। आप भी मेरे साथ ऐसे ही पंजाब केसरी बने रही है। भोपाल से मैं आप सबका विवाद तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।